प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, लेकिन पार्टी द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्षद प्रत्याशी समेत कई सदस्य नाराज दिखे। उन नाराज सदस्यों से पार्टी के भीतर चल रहे गुटबाजी व नाराजगी दिखाई दी। वहीं प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी आर के सिन्हा मीडिया के सवालों में घिरते नजर आए। सिन्हा से मीडिया कर्मी ने जब सवाल किया कि क्या आपकी पार्टी मेयर चुनाव में कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रही है, जिस पर प्रभारी ने गिरते हुए लहजे में कहा कि उनकी पार्टी में रजनी रावत से कोई अन्य मेयर की दावेदारी के काबिल नहीं दिखाई दिया। यही वजह थी कि पार्टी ने मैडम रजनी को मेयर प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, लेकिन उनकी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि आम आदमी पार्टी में कई कार्यकर्ता भी थे जो मेयर बनने लायक थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और पार्टी यह भली भांति जानती थी कि मैडम रजनी रावत आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ उनके 50,000 वोट बैंक भी हैं, जो किसी अन्य पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है, और इसे टारगेट कर मैडम रजनी के कंधों पर बंदूक चलाने की आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और रजनी रावत हमारी प्रत्याशी है, और आप सवाल दोबारा से कीजिए। मैडम के जो वोट बैंक है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको कैश करने की कोशिश किया। देखिए, ये तो एक मिली जुली बात है। आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों से, उनकी ईमानदारी से प्रभावित होके रजनी रावत जी, आप मुझे जवाब देने दीजिए पहले। कितने वोटों से जीत करेंगे आप, मुझे जवाब देने दीजिए पहले सवाल का। पहला सवाल ये है कि हमारे पास प्रतिदिन बहुत सारे दलों के लोग, बहुत सारे समाज सेवक लोग, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग भी पार्टी में प्रतिदिन ज्वाइन करते हैं, और हम जाहिर है कि एक राजनीतिक दल होने के कारण हम चाहते हैं कि हमारे साथ सशक्त लोग जुड़ें, हमारे साथ वैसे लोग जुड़े जिनकी जनता में पहचान हो, बैठो, ये पार्टी के लिए भी बेहतर है। तो रजनी रावत जी ने एक समझ बूझ के एक निर्णय लिया होगा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। जब आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, उसके बाद हमने देखा कि रजनी रावत से बेहतर उम्मीदवार हमारे पास मेयर का आम आदमी पार्टी का देहरादून में नहीं है, तो हमारे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को हमने सामने खड़ा किया। आम आदमी पार्टी को यहाँ एक तीसरे विकल्प के रूप में देखा जा रहा था दिल्ली में, जैसे ही आप लोगों ने चुनाव जीता, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा फूट हो गई जो इस तरह से वो हुआ, तो मतलब जो जिस पोजीशन पे आम आदमी पार्टी थी वो आज वहाँ नहीं पहुँच पाई, इसके पीछे क्या लगता है? आप कह रहे हैं लोग जुड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लोग निकल के जा रहे हैं आपकी पार्टी। इसके लिए आपको आंकड़े मेरे सामने देने पड़ेंगे। मैं अपने आंकड़े आपको दे सकता हूँ कि कितने लोग जुड़े, और आपको ये आंकड़े मुझे देने पड़ेंगे कि कितने लोग हटे। बड़े बड़े लीडर्स जो भी आपके पहले थे, एक एक करके दे लेफ्ट द पार्टी। नहीं, देखिए, वो पार्टी में आए हैं, आए थे, उन्होंने अपना समय दिया, पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, वो अभी भी हमारी विचारधारा से प्रभावित है। समय आने पर वो सारे लोग जिनकी आप बात करना चाहते हैं, मैं उतने ज़्यादा नाम नहीं जानता, मैंने तो किसी को जाते हुए नहीं देखा पिछले एक साल में, लेकिन वो लोग कभी अपने काम से दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहे हैं, और जब कोई बड़ा चुनाव आएगा और उनकी आवश्यकता होगी, चूंकि वो पार्टी के राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं, तो वो रहेंगे। आपने लड़ा नहीं था, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? आपको लगता है कि चुनाव सीटों में अपने लोग कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, ये इस निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद ये हमारे लिए आसान होगा आकलन करना कि हमें लोकसभा। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।